हेलो एवरीवन, दिस इज अरविंद अरोड़ा अगेन। और आज एक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं। एक रिएक्शन है जो नेमिंग रिएक्शन है, विच इज वेरी फेमस, जो फिनोल के केस में पाया जाता है, स्पेशली फिनोल उस रिएक्शन को देता है, दैट इज कॉल्ड कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसमें फिनोल लेते हैं हम लोग, और फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोल का रिएक्शन हम लोग, ताकि ये केमिकली और ज्यादा रिएक्टिव हो जाए, इसके लिए हम लोग इसकी रिएक्शन एनएमएच सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। जब फिनॉल का रिएक्शन, दिस इज फिनॉल का रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं, तो यहाँ ये OH, ये वाला ये OH और ये H, ये हाइड्रोजन मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, माइनस H2O, ये Na जाकर वहां जुड़ जाता है, तो फाइनली सोडियम फिनोक्साइड हमारे सामने आ जाता है, विच इज मोर रिएक्टिव देन द फिनॉल। So, ये एक कंपाउंड है जो हमारे सामने आता है। अगर हम इसकी रिएक्शन फाइनली CO2 गैस से करवाएं, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर अगेन बहुत क्रूशियल है। यहाँ पर टेम्परेचर हमें सेट करना पड़ेगा 398 केल्विन और प्रेशर ऑलमोस्ट सेट करना पड़ेगा 2 to 7 bar। इस टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। वो अनस्टेबल कंपाउंड है ये, नाउ लुक एट इट, वो अनस्टेबल कंपाउंड OCOONA, इसको बोलते हैं, दिस अनस्टेबल कंपाउंड इज कॉल्ड फिनॉक्सी, दिस अनस्टेबल कंपाउंड इज फिनॉक्सी सोडियम फॉर्मेट, इसको फिनॉक्सी सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। अगेन इसके बाद इसका थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है, तो आफ्टर रीअरेंजमेंट इसकी फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन, विच इज मोर रिएक्टिव, इस ऑर्थो पोजीशन पे सारा का सारा जितना भी ये मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये अटैच हो जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, जो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी अटैच है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होकर कहाँ चला जाता है, इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट सामने आता है। नाउ लुक एट इट, दिस इज OH और यहाँ पर क्या होता है COONA, ये सारा रीअरेंज होकर ऑर्थो पोजीशन पर चला जाता है, और ऑर्थो पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन को मिल जाता है। अगेन आप इस कंपाउंड का अगर आप एसिडिफिकेशन करवाते हैं, तो आफ्टर एसिडिफिकेशन, मतलब अगर आप इसकी HCl से रिएक्शन करवाते हैं एसिडिफिकेशन, तो यहाँ पर ये Na और Cl, ये NaCl बाहर निकाल देगा और ये हाइड्रोजन Na की जगह ले लेगा, फाइनली हमारे पास एक लास्ट कंपाउंड बन जाएगा, which is the final compound in this equation, and that is, this is OH, this one is COONH. इसको हम लोग finally क्या बोलते हैं, this is called salicylic acid. तो Kolbe-Schmitt reaction के अंदर जो final compound बनता है, that is called salicylic acid, which is very 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 important and famous kind of product. We are getting from Kolbe-Schmitt reaction, which is very important. ये जो जितने भी exams होते हैं उनमें ये नाम से पूछा जाता है कि finally phenol से क्या product बनने वाला है. So this is Kolbe-Schmitt reaction from my side. Thank you so much for watching. Please subscribe my channel on YouTube. I'll give you more and more videos. Thank you so much. Thanks a lot.